नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण में संताल परगना की 3 सीटों पर मतदान होगा। ऐसे में तमाम पार्टियां मिशन संताल में जुट गई हैं। सीएम समेत इंडी गठबंधन के तमाम बड़े नेता इंडी गठबंधन की जीत के लिए पसीना बहा रहे हैं। दूसरी ओर झारखंड बीजेपी के तमाम दिग्गज दुमका में कैंप कर रहे हैं। 28 मई को पीएम मोदी की सभा भी है। सवाल यह है कि अब की बार कौन बनेगा संताल का शहंशाह। 11 सीटों पर मतदान, अब संथाल का संग्राम। 1 जून को संथाल की 3 सीटों पर मतदान। सीएम ने संभाली इंडी गठबंधन की कमान। 28 मई को दुमका में गरजेंगे पीएम मोदी। झारखंड की 11 सीटों पर वोटिंग के बाद अब 1 जून को संथाल परगना की 3 सीटों पर मतदान है। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में गोड्डा, राजमहल और दुमका में वोटिंग है। ऐसे में झारखंड की सियासत संथाल शिफ्ट हो गई है। सीएम चंपई सोरेन ने इंडी गठबंधन की कमान संभाल रखी। दुमका लोकसभा क्षेत्र के जामताड़ा में इंडी गठबंधन की सभा में सीएम ने जेएमएम प्रत्याशी नलीन सोरेन के लिए वोट मांगे। जेएमएम का दावा है कि संथाल 2004 का इतिहास दोहराएगा और तीनों सीटों पर इंडी गठबंधन का पताका फहराएगा। 2004 को रिपीट करेगा 20 वर्षों के बाद, जब इस इलाके के तीनों सीट, चाहे वो गोड्डा हो, चाहे राजमहल हो, चाहे दुमका हो, तीनों सीट इस बार इंडिया गठबंधन के झोली में आने जा रहा है। उसके लोग तैयार हैं, लोग केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं 1 तारीख का। या कोई वेब नहीं काम कर रहा है। 2 दिन पहले अमित शाह जी आए थे, जनता बिल्कुल नजारत थी, एक भी लोकल लोग नहीं आए। बाहर से बोरो लोगों को लाया गया ताकि मंच को भरा जाए। आप समझ सकते हैं कि जनता का मिजाज कहाँ है। जब अमित शाह के रैली में जनता जाना नहीं चाह रही है, प्रेशर देके पैसा दे के बुलाया गया, बंगाल से लोगों को लाया गया, बस कर के लाया गया। रैलियां में तो ऐसे ही होते ही है। नहीं, हमारे रैलियों में बस नहीं होता। राहुल जी के रैलियों में जनता स्वेच्छा से आ रही है। आज कल्पना भाभी को लोग सुनना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं, राहुल गांधी जी ने एक मिसाल पेश कर दिया। तो हमें लगता है कि आप देख लीजिएगा कि जामताड़ा का जो विधानसभा है, यहाँ का जो लीड होगा वही जीत का मार्जिन तय करेगा। दुमका के दंगल में बीजेपी से सीता सोरेन ठोक रही ताल। सोरेन परिवार की बड़ी बहू के खिलाफ नलिन सोरेन मैदान में। गुड्डा में फिर से कमल खिलाने की तैयारी में निशिकांत दुबे। निशिकांत के खिलाफ ताल ठोक रहे कांग्रेस के प्रदीप यादव। राजमहल के रण में बीजेपी ने ताला मरांडी पर खेला दाग। जेएमएम ने मौजूदा सांसद विजय हांसदा पर फिर जताया भरोसा। राजमहल का खेल बिगाड़ने की तैयारी में विधायक लोबिन हेमरम। 2019 में संथाल की 2 सीटों पर कमल खिला था, लेकिन राजमहल पर कमल मुरझा गया था। अब की बार बीजेपी का दावा है कि जेएमएम का कथित किला ढहेगा और संथाल की 3 सीटों पर कमल खिलेगा। अगर गढ़ था तो वो दुमका में शिबू सोरेन जी, जिनके नाम पर वो पूरे प्रदेश में वोट मांगते हैं, वो पिछली बार क्यों इतने बड़े मार्जिन से हार गए थे। और देवघर हम लोगों ने जीता था, तो संथाल की 3 सीटों में 2 सीटों पर तो अभी भी हम काबिज हैं। और राजमहल में तो झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले लोबिन हेमरम से निपट ले, क्योंकि जो फीडबैक आ रहा है शायद लोबिन हेमरम को झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार से ज्यादा वोट आने वाले हैं। और हमारी जो 3 सीटों को जीतने का, फतह करने का, संथाल फतह करने का जो नारा है, हमें लगता है बिल्कुल पूरा होगा। और हमारा जो 14-0 का लक्ष्य है वो पूरा करेंगे। और संथाल का जो ये तथाकथित गढ़ कहते हैं अपना ना, वो भी ढहने जा रहा है। संथाल के संग्राम में 24 मई को बीजेपी के चाणक्य ने हुंकार भरी थी। जामताड़ा और देवघर के मधुपुर में अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया था। वही 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुमका में सीता सोरेन के लिए वोट मांगेंगे। यही नहीं, बाबूलाल मरांडी समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता संथाल में कैंप कर रहे हैं। मधुकोड़ा भी लगातार सीता सोरेन के समर्थन में जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। यानी संथाल में संग्राम जोरदार है। बाजी कौन मारेगा ये 1 जून को जनता तय करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11।
तो सबके जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिरकार संताल का शहंशाह कौन बनेगा, इस बार संताल की 3 सीटों पर जीत हासिल कौन करेगा। दम दोनों ओर से झोंका जा रहा है, दिग्गज पसीना दोनों ओर से बाहर है। बीजेपी नेताओं की बात करें तो लगातार संताल में कैंप कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंडी गठबंधन के ओर से मोर्चा खुद मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन संभाले हुए हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए, संताल के समीकरण को और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ चुका है। हम सबसे पहले अपने पैनल से परिचय करा दें आपका। जेएमएम से हमारे साथ बटर सिंह देओल जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हमारे साथ ईश्वर आनंद जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से हमारे साथ अशोक बड़ाइक जी जुड़ चुके हैं और आजसू से विजय साहू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 11 भारत में। बटर जी, आपके पास सबसे पहले आएंगे। आप कहते हैं, जेएमएम कहती है कि दुमका गढ़ था, कहते हैं दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, पिछली बार चूक कहां रह गई थी? आपके सबसे बड़े नेता को हार का सामना करना पड़ा था, इस बार आप क्या कीजिएगा उस डर से, उस जो हार मिली थी उससे उभरने के लिए जेएमएम की क्या तैयारी है? देखिए, सबसे पहले तो जिस छठे चरण में हम आ चुके हैं और ये लास्ट चरण है हमारे, और 4 तारीख को जनता का फैसला सबके सामने आ जाएगा। और आपने ठीक कहा, वो हमारा गढ़ था, संथाल हमारा गढ़ था, ठीक है, कुछ चूक रही हमारे पीछे, कुछ कारणों से हमारी हार हुई, बट पुराने हार से ही सीखते हैं लोग और हमने हार से बहुत कुछ सीखा। एक हमारे लिए भी रियलाइजेशन का टाइम था और हमने उसको जो जो कारण रहे जनता के बीच में, जो जनता का मन मुटाव था, जनता नाराज होगी कुछ जिसके कारण उन्होंने वोट नहीं दिया, वो सारी हमने इस 4 साल के शासन में दूर कर दी हैं उनकी शिकायतें। और उनकी शिकायतों को दूर करने के साथ साथ जो बीजेपी के 10 साल का पिछले शासन रहा है और जो वहाँ के प्रेजेंट MP हैं, उनके द्वारा कुछ कार्य नहीं किए जाने के कारण भी जनता हमारे साथ आ चुकी है और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। बेसिकली देखिए, हमने कभी नैरेटिव को इतना गंदा नहीं किया जितना इस इलेक्शन में बीजेपी और जो प्रेजेंट मौजूदा केंद्र की सरकार है कर रही है। आप ही ने कल देखा कि अब मछली, मीट, मंगलसूत्र के बाद मुजरे पे आ गए हैं। तो देखिए, ये जनता को गाली दी उन्होंने, उन्होंने हमारे इंडिया गठबंधन के नेताओं को गाली नहीं दी है और उनको डेरोगेटरी नहीं कहा जी। आप देखिए, मुजरा कहाँ होता है? कोठों पे होता है। कोठों पे कौन जाते हैं? इमोरल लोग जाते हैं। तो उनका कहने का क्या मतलब था कि इस देश की जनता इमोरल है, मुजरा देखती है? पर भक्त ये तो रियलाइज नहीं कर सक रहे, पर जनता को ये रियलाइज करना चाहिए कि मोदी जी ने जनता को कल गाली दी है। इंडिया के गठबंधन के नेताओं को कोई गाली नहीं दी है, मुजरा करेंगे और ये करेंगे। ये जनता को रियलाइज करना है कि इस देश का प्रधानमंत्री जब उनको साफ साफ मुंह पे बोल रहा है कि तुम लोग इमोरल हो, और वो बोल रहा है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं ऊपर से डायरेक्ट तबका हूं, वो आदमियों में गिनती नहीं है जी, एंड ही इज सफरिंग फ्रॉम एक्चुअली समथिंग कॉल्ड इन इंग्लिश एज डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियर, है ना, कि उनको डिल्यूजन है कि उनसे बड़ा कोई नहीं है। तो इस बार जनता जरूर बताएगी। और जी बिल्कुल, आपने बड़ा आरोप लगाया कि गंदे नैरेटिव सेट की जा रही है बीजेपी की ओर से। अशोक जी, आपके पास आएंगे। बहुत बड़ा आरोप लगा है जेएमएम की ओर से बीजेपी पर और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कि मीट, मछली, मंगलसूत्र और अब मुजरा, मतलब नैरेटिव गंदा सेट किया जा रहा है, जनता के बीच जाकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा, क्या कहिएगा? एक तो गंदे नैरेटिव के बारे में, दूसरा सवाल यह होगा, अब जब हम दुमका के बारे में चर्चा कर रहे हैं, सुनील सोरेन को पहले टिकट दिया जाता है, फिर अचानक से सीता सोरेन की पैराशूट लैंडिंग होती है, इस पर भी जवाब देंगे। देखिए, ये लोग के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। देश भर में ये लोग विकास के मुद्दे को लेकर आएंगे तो टाटा फिक्स हो जाएंगे। तो ये लोग क्या बात करेंगे? मंगलसूत्र पे ये लोग बात करेंगे, ये लोग बात करेंगे आरक्षण को, मोदी आएगा फिर से तीसरे बार तो आरक्षण हटा देगा, मंगलसूत्र के बाद तो प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, खतरे में पड़ जाएगा। देखिए, ये सब नैरेटिव पेश किया जा रहा है। हम बात करते हैं कि 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों को जो 10 सालों में जो कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया है, हम उस पर बात करेंगे। हम उस पर बात करेंगे जब से बीजेपी का गठन हुआ है, एनडीए जब सरकार में रही, सत्ता में रही, हम अपने मुद्दा से कभी नहीं भटके हैं। वो चाहे राम मंदिर निर्माण की बात हो, धारा 370 की बात हो, या इस देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की बात हो, तो हम कहीं ना कहीं
इस देश के मान सम्मान स्वाभिमान, इस देश के जो 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज देने की बात करते हैं, इस देश के जो आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को हम लोग आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य योजना की लाभ की बात करते हैं, हम युवाओं को कैसे उसको आत्मनिर्भर बनाए उस पर बात करते हैं, और तो और इस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो हम उस पर बात करते हैं, वो चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, हाईवे कनेक्टिविटी हो, या और भी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हम उस पर बात करते हैं। क्योंकि 10 सालों में इनके पास हम लोगों से काउंटर करने के लिए देशवासी के पास जाएंगे तो किस मुंह लेकर जाएंगे, वो किसी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर के अगेंस्ट जाने सकते हैं? क्योंकि मोदी जी ने 10 सालों में इतना कर दिया है कि इनको 75 सालों में ये कर नहीं पाए। ये विकास के मुद्दे पर आप लोग बात करते हैं, ठीक है, ये चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं ना अशोक जी, ये लोग बात करेंगे क्या? विकास के मुद्दे पर बात होती है और कोई नकार नहीं रहा चले इस बात से, लेकिन सार्वजनिक मंच से मुजरा जैसे शब्द का इस्तेमाल करना, इस पर जवाब चाह रहे बटर जी। मुजरा जो शब्द है, मुजरा शब्द को ये लोग एक अलग नैरेटिव पेश कर रहे हैं। हम लोग बात करते थे कि जो मंगलसूत्र इन्हें लेगा तो मंगलसूत्र में क्या है, इनके मैनिफेस्टो में है कि ये आम संपत्ति का फिर से एक्सरे करेंगे और संपत्ति परिसंपत्ति का बंटवारा करेंगे। तो वो एक उदाहरण था कि परिसंपत्ति में क्या वो सोना का मंगलसूत्र है। जवाब ले लेते हैं, आपने सवाल उठाया है, ईश्वर आराम जी से जवाब ले लेते हैं। अशोक जी नैरेटिव पेश कर रहे हैं, आपके मैनिफेस्टो पर लगातार सवाल उठते रहे हैं ईश्वर जी, जब से कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया है, चाहे वो गारंटी की बात हो या फिर जो आरोप लग रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे ये लोग, जो आपके संपत्ति है, खास करके जनता को जब कहा जाता, संबोधित किया जाता, बीजेपी के नेता अक्सर कह रहे हैं कि कांग्रेस अगर आएगी तो आपके संपत्तियों का हनन कर लेगी, इस पर जवाब दे। अभी अशोक बड़ाइक ने सवाल उठाया। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए, और सभी दर्शकों को भी जोहार करता हूँ। देखिए एक बात बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये खुद अभी विकास और योजनाओं की बात करते हैं, प्रधानमंत्री किसी चुनावी सभा में योजना की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं? वो अब आगे देखिए, पहले शुरू हुआ मंगलसूत्र से, फिर आया मुजरे पे, अभी पता है अभी रिसेंट उन्होंने क्या कहा कि 80 करोड़ लोगों को फ्री में खाना खिला रहे हैं, अगर नहीं वोट दिए तो आपको पाप लगेगा। सुना आपने ये बात? सुना कि नहीं सुना? मैं सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि पाप लगा, पाप पुण्य पे, अगर वाकई वो 10 साल काम किए होते तो उनको पाप पुण्य मुजरा ये सारी चीजों पे मंगलसूत्र। अभी सोना का रेट कौन क्या भाई, सोना का रेट हो गया 73,000 रुपए प्रति 10 ग्राम, तो सोना गरीब आदमी कहां से मंगलसूत्र बनवाएगा? अपनी ही बात को खुद हास्यास्पद होते जा रहे हैं। देखिए अगर वो वाकई 10 साल काम किए होते तो उनको मुजरा मंगलसूत्र और पाप पुण्य पे नहीं जाना पड़ता, ये प्रधानमंत्री की भाषा नहीं है। और दूसरा सवाल आपका क्या था, मैं दिमाग से उतर गया। दूसरा सवाल ये था कि मैनिफेस्टो को लेकर आपके सवाल उठते रहे। मैं आप इन्होंने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा, एक तो कहा कि भाई धर्म के आधार पर हम आरक्षण देंगे, हमारे मैनिफेस्टो में कहा है ये दिखा दे। दूसरा एक और था, कुछ एक और इन्होंने कहा था, एक संपत्तियों का हनन करना चाहते हैं। तो भैया मेरा मैनिफेस्टो निकाल के दिखा देंगे, अभी मैं राजनीति छोड़ दूंगा और अभी मैं मेरी पूरी ताकत से बोलता हूं कि कांग्रेस झारखंड में पूरी कांग्रेस पार्टी रिजाइन कर दे, अगर ये दिखा दे कि कांग्रेस फिर से पुनर्वो करेगी, तो अगर संपत्ति का आकलन करेगी और लोगों को बांट देगी और आधा छीन लेगी, ये सारा एक हमारा कोई नेता से फिरे तरीके से अशोक जी लौटेंगे आपके पास, सुन लिया जाए। अमेरिका में जो है ऐसा होता है, ठीक है, कि मरने के बाद ऐसा, ये क्या ये लोग बात करते भाई, ये अपना भी मैनिफेस्टो नहीं पढ़ते और हमारा भी मैनिफेस्टो नहीं पढ़ते, केवल ये बस वही जो इनका राग अलावा। प्रधानमंत्री जी देख लीजिए 10 साल में उन्होंने क्या क्या, देखिए अगर आप प्रधानमंत्री हैं 10 साल, चलिए जवाब ले लेते हैं, 10 साल सत्ता में है तो आपको अपने काम के आधार पर वोट मांगना चाहिए, नोटबंदी के आधार पर वोट मांगना चाहिए था, जीएसटी के आधार पर वोट मांगना चाहिए, आपने जो लॉकडाउन लगाया था कोविड के समय, जो लोग पैदल चल चल के घर पहुंचे, प्रधानमंत्री जी गायब हो गए, देखिए उस वक्त के आधार पर इनको वोट मांगना चाहिए था। वो तो ये किस वक्त की मांग थी अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त वायरस स्प्रेड कर रहा था बहुत तेजी से। आपके सवाल का जवाब हम ले लेते हैं विजय साहू जी से। आप एनडीए गठबंधन में सहयोगी दल हैं बीजेपी के, तमाम तरह के सवाल आप पर भी उठते रहे, परिवारवाद को लेकर आपकी पार्टी को भी निशाना बनाया गया है। अभी फिलहाल ईश्वर आनंद जी ने जिन बातों का जिक्र किया कि जीएसटी को लेकर बात नहीं होती है, रोजगार को लेकर बात नहीं होती, जवाब दें विजय साहू जी। देखिए सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने फिर से आज हम लोग को यहाँ बैठने का मौका दिया है, अवसर दिया है, खास करके न्यूज 11 को। बहुत जो आप लोगों ने जो पूरा कैंपेन चलाया है, जो आप पूरे चुनाव में जो राजनीतिक दल कैंपेन चला रहे हैं उसके साथ साथ आप लोग भी चला रहे हैं, और अलग अलग तस्वीर कल आप लोगों ने दिखाया बहुत सुंदर तरीके से, लोकतंत्र को कैसे किस तरह से लोग वोटिंग कर रहे हैं, उस चीज के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता और जेएमएम के प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, सम्मानित लोग हैं, हम लोग बैठते हैं अक्सर बात भी करते हैं।
एक चीज ये बता दे कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तुरंत अनाउंस किया कि 10 किलो अनाज हम लोग देंगे जी, तो ये बीच में क्यों जरूरत आन पड़ी कि 10 किलो अनाज का बात कर रहे हैं? पहले तो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए, सुन लीजिए पहले मेरा बात सुन लीजिए, बोले कि बीच में आपको 10 किलो अनाज का बात क्यों? आपने तो अपने जो मैनोफेस्टो उसमें तो इसको दिखाया नहीं है जी। और ये जो झारखंड और झारखंडियत का बात करते हैं, देश को 70 सालों से लूटने का काम इन लोगों ने किया, इनके जो प्रदेश अध्यक्ष है महाराष्ट्र के नाना पटोले, उनका क्या बयान आया था उस पर ये जवाब दे दे। उनका बयान आया था कि अयोध्या मंदिर का शुद्धिकरण करना चाहिए, किस समय दिए थे ये बयान? जब देश के प्रथम नागरिक महामहिम द्रौपदी मुर्मू वहां दर्शन करने गई थी उस समय। तो ये समझिए कि पूरे एसटी समाज को, पूरे दलित समाज को अपमानित करने का ये रिफ्लेक्शन है, इनके अंदर का बात बाहर आया। आप सेम पिट्रोदा का बात कर रहे हैं, आप समझिए कि 45% ये मैंने विरासत टैक्स लगाने का बात करते हैं, लेकिन ये राज करेंगे विरासत से बाहर, सत्ता को नहीं आने देंगे, लेकिन लोग का संपत्ति जो लोगों ने अर्जित किया है, सोना का बात करेंगे, सोना पे ये टैक्स लगाएंगे 45%। तो वो पागलपंती था, उनका स्टेटमेंट पागलपंती था, जो कि हमको लगता है कि राहुल गांधी के पूज्य पिताजी के बहुत बड़े सलाहकार हुआ करते थे, उनका स्टेटमेंट को इस सिरे से खारिज करते, ये रिफ्लेक्शन है कांग्रेस क्या सोचती है जवाब ले लेते हैं। और दूसरी बात ये बोलना चाहता हूं कि एनडीए का हम पार्ट है, और सुदेश कुमार महतो जी को आज देखे होंगे कि जामताड़ा में हमारी सीता सोरेन जी के लिए प्रचार कर रहे हैं, और तुरंत अभी गिरिडीह का चुनाव कल समाप्त हुआ, और आप पता कर ले हमारे आदरणीय सांसद गिरिडीह और वर्तमान में प्रत्याशी भी हैं, वो गोड्डा के लिए निकल गए। हमारा पूरा टीम काम कर रहा है, झोंकी जा रही है, इसमें पूरा टीम काम कर रहा है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी कार्यक्रम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में यही कहूंगा कि जब प्रधानमंत्री का बात आता है तो पूरा विश्व जय जयकार लगाता है, और मैं एकदम पूरे जवाबदेही के साथ प्रधानमंत्री पर चुनाव लड़ रहा है के अंदर में आप सत्ताधारी दल है, आप पर आरोप लग रहा है कि आप आदिवासी विरोधी हैं, दलित विरोधी हैं, खास करके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम लेकर आप पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और इस सवाल का आप किस तरह से जवाब देंगे? सामने रखे अपने जवाब, बिंदुवार में जवाब देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे, तो देखिए श्री रामचंद्र जी का जो मंदिर होता है उसमें सब पत्नी पूजा की जाती है उद्घाटन के समय में, ठीक है ना? तो वो वहाँ शंकराचार्यों को बुलाया गया, ठीक है ना? ही बुलाया गया था, देखिए आप उस तरह से बुला, उनको मुख्य शामिल करना चाहिए था पूजा पाठ में, वैदिक रीति से पूजा होनी चाहिए थी, वैदिक। इन्होंने तो खरवास के समय में मंदिर का शिलान्यास किया, उसके बाद आधार पूरा मंदिर बना हुआ है, आपको पता होना चाहिए, खुद ये लोग बोलते हैं 6 महीना लगेगा, आपको पता है कि नहीं? पत्रकार आधा मंदिर को इतनी क्या क्या हड़बड़ी थी, भैया 6 महीने के बाद बनता, हम भी हिंदू हैं, मेरी भी आस्था है। तो वहां पे प्रधानमंत्री जो अपनी पत्नी को बिना तलाक दिए हुए छोड़ दिए, वो गए वहां पर, क्योंकि सब चीज उन्हीं को करना, फोटो खिंचाना है। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि शुद्धिकरण का, तो यही कारण है कि हम लोगों ने कहा कि हम शुद्धिकरण करेंगे, वाकई करेंगे सत्ता में आने के बाद, नंबर वन। नंबर टू नहीं, लेकिन सवाल तो ये कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मंदिर में प्रवेश करने के कारण कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मंदिर का शुद्धिकरण करेंगे। राष्ट्रपति के लिए नहीं कहा गया, आप देखिए उसको गलत तरीके से नहीं इंटरप्रेट कीजिए। दूसरी नहीं नहीं, हम इंटरप्रेट नहीं कर रहे, आरोप बीजेपी की ओर से लगे, ये रॉन्ग है, मेरी बात सुनिए। दूसरी बात, राष्ट्रपति महोदया को नया संसद भवन में क्यों नहीं बुलाया गया, उद्घाटन में क्यों नहीं बुलाया गया, इसका सवाल भी चाहिए। तीसरी बात आप बताइए, 80 करोड़ लोगों को जो अनाज मोदी जी डंका पीटते चल रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो डंका पीटते चल रहे हैं, तो आप मानते हैं, और ये लोग मानते हैं ना कि 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं? मैं पत्रकार हूं, जवाब लेंगे, मानते हैं ना? जवाब लेंगे, पूछे कि ये मानते हैं कि नहीं मानते हैं? कांग्रेस का डाटा है, कांग्रेस के समय में 21 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, तो 10 साल में जो है 10 साल में 81 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए। अब कांग्रेस ने क्यों कहा कि 10 साल, ये भी इन्होंने सवाल उठाया कि 10 किलो अनाज क्यों देंगे? भैया महसूस किया कांग्रेस ने कि खाली 5 किलो से नहीं चलेगा, ठीक है? और वाकई लोग गरीब, वाकई लोगों की स्थिति दयनीय हो चुकी है, लोगों के जेब में पैसे नहीं है, और कांग्रेस ये भी कहती है कि हर परिवार की महिला को 1 लाख रुपया देंगे, ठीक है? तो केवल और केवल 5 किलो अनाज से उसके लिए मसाला चाहिए, तेल चाहिए, जो गैस लोग आसमान छू दिए, गैस भी चाहिए होता है, जवाब ले लेते हैं। पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, ट्रेवल के लिए जो 2-10 रुपया 5 रुपया टेम्पो का भाड़ा हुआ करता था, ऑटो का भाड़ा हुआ करता था, अभी 20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया हो गया है, वो भी चाहिए होगा। इसलिए हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा, हमारे में कांग्रेस, चलिए ठीक है जवाब ले लेते हैं।
अशोक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुले मंच से कहते हैं, सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि हमने 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को जवाब ले लेते हैं। ईश्वर जी जवाब ले लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमने मुफ्त राशन दिया। कांग्रेस का ये सवाल है कि 80 करोड़ लोगों को अगर अभी भी मुफ्त राशन देनी पड़ रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि बीपीएल लाइन से कुछ लोग नीचे आए हैं, सवाल उल्टा है। सवाल इनका यह है कि लोग बढ़ते जा रहे हैं, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की जनसंख्या बढ़ते जा रहे हैं, इसीलिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने की जरूरत पड़ी है। सवाल का जवाब दें। देखिए, सबसे पहले बात, जब दुनिया में कोरोना को लेकर जब अकाल की स्थिति थी, लोगों के दुनिया के अन्य देशों के लोगों के हाथ में थाली से अन्न गायब था, उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने देशवासियों के लिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज जैसे प्रधानमंत्री अन्न योजना उन्होंने आरंभ किया था, और उन लोगों के 5 केजी प्रति व्यक्ति के हिसाब से वो लोग देने का काम किया था। अब आप बताइए कि जिस समय 2019-20 के आसपास में जब कोरोना का पीक आवर था, किसी को अन्न देना, अगर कोई देश का मुखिया अगर किसी गरीब परिवार को अगर अन्न दे रहा है तो वो कौन सा गुनाह का काम कर रहा है? और तो और, अगर इसको आगे बढ़ाते हुए देखिए, अभी भी कोरोना के कुछ लोग, कोरोना के प्रभाव से कई लोग प्रभावित है, कई लोग का नौकरी छूट गया, बिजनेस हो गया, किसानी जो थे उनके बर्बाद हो गए, तो कहीं ना कहीं अभी भी देश में उनको लय में लाने के लिए, उनको ट्रैक में लाने के लिए उनको कहीं ना कहीं सरकार को बैकअप देना चाहिए, और वो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उन्होंने कहा क्या कहा कि अभी आने वाले समय में और इसको बढ़ाया जाए। वो ये नहीं कहे कि गरीब को मैं दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर किसी को अन्न देने से किसी के बारे में हम ये डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि वो गरीब है कि अमीर है। हाँ, हम उसको एक सहयोग के रूप में दे रहे हैं। और तो और, 25 करोड़ ऑन डाटा, 25 करोड़ जो गरीब परिवार के थे वो कहीं ना कहीं गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, ये आंकड़ा कहता है। और दूसरी बात, इन्होंने अभी तुष्टिकरण हिंदू और मुस्लिम की बात कर रहे थे, मैं आपको बता रहा हूं अभी हाल के दिनों में बंगाल हाईकोर्ट ने क्या निर्णय दिया कि किस तरह से जब इंडिया अलायंस के लोग सत्ता में आते हैं तो एक बहुसंख्यक आबादी, हिंदू आबादी, जो हिंदू समाज में जो ओबीसी है, ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण को किस तरह से कुटाराघात किया जाता है, कैसे उसका हिस्सा में सरकारी किया जाता है। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा ऐसा डिसीजन में, बोल ही नहीं सकते। मेरी बातों में इंटरफेयर नहीं, मेरी बात बिल्कुल, अशोक जी जवाब दीजिएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट को कोट कर रहा हूँ, कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या बोला कि कई ऐसे मुस्लिम जातियां को बैकडोर से ओबीसी में डाला गया था, और हिंदू समाज में, हिंदू धर्म में जो ओबीसी समाज आते हैं उनके आरक्षण में कहीं ना कहीं वो लोग सेंधमारी का काम करेंगे। और ये लोग बात करते हैं ना कि हिंदू मुस्लिम कौन कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। आंध्र प्रदेश में 2004 में इनकी सरकार थी, सहयोग से चलती थी, क्या किया था इन लोगों ने, एसटी ओबीसी के आरक्षण में कटौती करके 4.5% मुस्लिम आरक्षण के खाका इन लोगों ने तैयार किया था। चलिए जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं। और खत्म नहीं हुआ है, अभी हाल के दिनों में 4 महीना पहले कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, एनसीबीसी ने नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास ने उन्होंने इनको लेटर लिखिन से जवाब मांगा था कि अशोक जी जवाब लेते हैं, आपने 28 जातियों हमारे साथ बटर सिंह को भी बना हुए हैं, में डाला था कोलकाता हाईकोर्ट का जिक्र है, बटर जी आपने उंगली करा के आप कुछ कहना चाहते थे कोलकाता हाईकोर्ट खास करके। एक अशोक जी हम आएंगे आपके पास, आएंगे अशोक जी बिल्कुल आएंगे आपके पास, आपने सवाल किए हैं जवाब भी मिलने चाहिए। हम बटर जी से जवाब ले लेते हैं, हाईकोर्ट का जिक्र आया, आपने तुरंत कुछ कहना चाहा, और जब जब आरक्षण की बात आ रही है मुस्लिम नाम लिया जा रहा, इस पर आप क्या कहिएगा? देखिए, हमारे मित्र बोल रहे थे कि मुस्लिम ओबीसीज आ गए, हिंदू ओबीसीज की इसमें कटौती हो गई, तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे मोदी जी 13 साल, उन्होंने 70 मुस्लिम ओबीसी ये कास्ट को मुस्लिम रिजर्वेशन दिया है जी गुजरात में, तो पहले अपना ये पता कर ले कि गुजरात में मोदी जी ने दिया तो गलत ही दिया होगा, वहां ठीक है मोदी जी, कलकत्ता में गलत है। आंध्र प्रदेश की बात की, टीडीपी के साथ इनका अलायंस है, टीडीपी के साथ लड़ रहे हैं, और टीडीपी के नेता कहते हैं मेरी लाश पे हटेगा, मैं हटने नहीं दूंगा मुस्लिम का रिजर्वेशन। एचडी देवगौड़ा कर्नाटक में कहते हैं छाती ठोक के कि मेरा दिया हुआ है, उसके अलायंस पार्टनर है, एक शब्द मुंह से वहां पर नहीं निकला। कर्नाटका की हिंदू मुस्लिम ओबीसी की रिजर्वेशन की बात बंगाल में करेंगे, बंगाल की ओबीसी की रिजर्वेशन की बात पंजाब में करेंगे, बट उस स्टेट में नहीं करेंगे क्योंकि जानते हैं कि उन्हीं के द्वारा किया गया, इनके अलायंस पार्टनर पूछ लीजिए टीडीपी के, टीडीपी के नेता में किसकी सरकार थी 2004 में? अरे 2004 में 70 मुस्लिम
कास्ट हैं जो जाती हैं जो ओबीसी में जिनको रिजर्वेशन मिलता है, तो गलत है कि सही है? मोदी जी ने गलत किया कि सही किया 13 साल की राज में, ये बीजेपी के एक प्रवक्ता बता दे। बिल्कुल इसका जवाब दूंगा, जवाब दे दो। नहीं, लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे, कंप्लीट करने दो ना। अब देखिए मोदी जी के भाषण, पंजाब गए, पंजाब में कल उन्होंने क्या कह दिया, गुरु गोविंद सिंह जी ने बैसाखी में पंच प्यारों का ये किया था, उसमें उनके एक चाचा जी थे जी। जो 300 साल पहले का कांड, अब कौन से चाचा 300 साल से जिंदा है मोदी के नहीं पता जी। जिस स्टेट में जाते हैं, अब जहां जाते हैं, जैसे पंजाब जाते पगड़ी बांध ली, पर उन पगड़ी वाले सरदारों को गोलियों से मरवा दिया, 700 शहीद हो गए दिल्ली के बॉर्डर में बैठने के लिए, दिल्ली जाने तक नहीं उनको दे रहे, उस पर कोई बात नहीं। तो देखिए इनके डीएनए में है जाति करना। आप विकास की बात करते, एक भाषण दिखा दीजिए मोदी जी का ना, कि पेट्रोल कैसे बढ़ गया, डॉलर कैसे बढ़ गया, एक भाषण में मोदी जी ने बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से तो बात कहते हैं, किसान सम्मान निधि की बात करते हैं, आयुष्मान भारत की बात करते हैं, उज्ज्वला योजना की बात करते हैं, विकास की विकास की बातें हुई है, ऐसा नहीं है डॉलर पे बात किया, की बात नहीं, पेट्रोल पे बात किया, सिलेंडर 1100 रुपए पे बात, एक भाषण पे बता दीजिए जी, बता दीजिए कि क्यों बात। चलिए ले लेते हैं जवाब। विजय जी सवाल गंभीर उठे हैं, महंगाई को लेकर कोई जवाब नहीं, डॉलर का रेट बढ़ता जा रहा उस पर कोई जवाब नहीं आप लोग की ओर से, ऐसा मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट बस आपने सवाल मैं 2013 का बात करूंगा जी, आपका रेट ऑफ इन्फ्लेशन 13% था जी, अभी आप देख लीजिए 6-5%। क्या बात है, क्या बात, 5% में आप देख लीजिए ना, क्या बात है, आप देख लीजिए 5% है रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इनके समय में तो 19% तक था, उसके बाद इनके सरकार में जब ये लोग थे, चंद्रशेखर जी को समर्थन किए थे, इन लोगों ने सोना गिरवी रखा था, ये जिम्मेवारी के साथ मैं कहता हूं, और इनको मानना पड़ेगा ये बात अब झुठला दे लोग। और जहां तक ये लोग जो अभी राम मंदिर का बात कर रहे थे, जो मुस्लिम पक्षकार थे इकबाल अंसारी जी वो पहुंचे थे, कांग्रेस क्यों नहीं पहुंची? अभी आप बोलते राम मंदिर अधूरा, क्यों नहीं आप पहुंचे वहां पर, पूजा में जाना चाहिए था, आप क्यों नहीं गए? सब लोगों को धमका के रोकने का काम किया, जो लोग गए प्रमोद कृष्णन गए, राष्ट्रपति को क्यों नहीं, प्रमोद कृष्णन गए, सुनिए प्रमोद कृष्णन गए, उनको पार्टी से निकालने का काम किया, वही प्रमोद कृष्णन क्या बोले कि राहुल गांधी बोल रहे थे कि हमारे सुपर पावर कमिटी लाकर के ईश्वर जी सुन ले, ईश्वर जी लौटेंगे, का फैसला आप लोग सब जानते होंगे कि उस फैसला को कैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला को बदल दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि हाई पावर माने सुपर पावर कमिटी ला करके सुप्रीम कोर्ट का ये जो राम मंदिर निर्माण का जो फैसला है सरकार में हम आए तो वो भी बदल देंगे। ये प्रमोद कृष्णन का बात को मैं कोट कर रहा हूँ, इन्हीं के दल के थे और अभी भी हमको लगता है कि इन्हीं के साथ। देखिए गंभीर सवाल, ईश्वर जी से जवाब ले लेते हैं। गंभीर सवाल, राम मंदिर को, राम मंदिर के पक्ष में जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, उसे बदलने की बात का आरोप लग रहा है, और आरोप लग रहा है एनडीए की ओर से। और एक सवाल जो इन लोगों का कहना है कि लगातार जो आरक्षण है उसमें आप लोग फेरबदल करते रहते हैं, और खास करके कर्नाटका में जो हुआ उसे असंवैधानिक करार दिया गया है एनडीए के नेताओं की ओर से, कहिए इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहला क्या सवाल था आपका कि राहुल जी ने कहा ऐसा आरोप लगा जी, अगर ये देखिए प्रमोद कृष्णन क्या था कि उनको बनना है सांसद, उनको जाना है राज्यसभा, ठीक है, ठीक है, नहीं अभी देखिए आपके आपके पार्टी में आज की तारीख भैया उचमचाई और बटरिंग नहीं करेंगे तो जितना यहाँ के जो भ्रष्टाचारी जिसको आप आरोप लगाते थे अजीत पवार से लेके और दुनिया में सब, तो आपके आप लोग लेके वॉशिंग मशीन में धुल दिए, अब उनको बेचैनी था तो झूठ सच करने का, एक भी बयान राहुल गांधी का हर एक बयान जो है नेट में है जी, बिल्कुल हर जगह आप चाहे अगर आप दिखा दिए पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, बिल्कुल। देखिए ये सब झूठ इल्जाम लग, पहले तो सबसे पहले ये चुनाव होना चाहिए था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे हर एक साल, फलाना करेंगे ढिकाना करेंगे, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज पर चढ़ाएंगे, महाराज हवाई चप्पल वाला तो ट्रेन में चढ़ने लायक भी नहीं रह गया, इतना भाड़ा डबल ट्रिपल भाड़ा हो गया ट्रेन का, प्लेटफॉर्म नहीं जा सकता, 20 रुपया 50 रुपया प्लेटफॉर्म टिकट करते हैं, क्या बात करेंगे ये लोग? जनता को झूठ बोल के आए थे जी, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख सबके खाता में आ जाएगा, काला धन हो जाएगा, पेट्रोल डीजल की मार बहुत हुई, पेट्रोल डीजल की मार, डॉलर नहीं चलेगा, सारा इतना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री किसी ने देखा है तक कभी? अब बताइए ये प्रधानमंत्री की भाषा है कि पाप लग जाएगा आपका मंगल? चलिए ठीक है जवाब ले लेते हैं, मुजरा कर रहे हैं, दिस इज नॉट फेयर बॉस। अगर और झूठ झूठ का बात, हम लोग सबसे बड़ी बात है कि इस दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए,
शिक्षा की बात होनी चाहिए, वो तो सब नजारा है। चलिए अशोक जी से जवाब ले लेते हैं जी। ये लोग मैनिफेस्टो इतना लंबा चौड़ा बनाया है, इनके मैं चैलेंज करता हूँ कि इनके प्रवक्ता को भी ये नहीं पता इन्हें मैनिफेस्टो में क्या, सिवाय हिंदू मुस्लिम के। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। देखिए, चूंकि हम चर्चा कर रहे थे संथाल के बारे में, 400 पार का नारा आप लोग हर बार दे रहे हैं, और 400 पार के नारे में अब थोड़ा धीमापन आ रहा है। बीजेपी के नेता अब थोड़ी दबी जुबान से बात कर रहे हैं 400 पार के बारे में, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल आप हमारे साथ सभी लोग बने रहिए, हम रुकेंगे और लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार संथाल के संग्राम के बारे में बारीकी से चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। तो लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होना है, और झारखंड की 3 लोकसभा सीट दुमका, गुड्डा और राजमहल पर मतदान हो रहा है। संताल का संग्राम बहुत बड़ा होता नजर आ रहा है, तमाम राजनीतिक दल कमर कसते नजर आ रहे हैं, दम झोंकते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है, संताल के समीकरण पर बात कर रहे हैं हम। सबसे पहले रुख करेंगे अशोक बड़ाइक जी का, जो बीजेपी से हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, संताल का संग्राम इस बार बेहद पेचीदा नजर आ रहा है, क्योंकि आप 400 पार का नारा दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंच से 400 पार का नारा देते हैं, लेकिन जब से पांचवें चरण की मतदान हुई है, बीजेपी अब धीमी जुबान में कहे या फिर स्वर जो है धीमी होती नजर आ रही है, कि 400 पार अब थोड़ा कम होता नजर आ रहा, वॉल्यूम डाउन हो रहा है। दूसरा सवाल, संताल में एक सीट राजमहल, जिसकी नजर, जिस पर आप लोगों की नजर हमेशा से बनी हुई है, कि पिछली बार भी आप लोगों को हार का सामना करना पड़ा था, और दूसरी बात दुमका को लेकर चर्चा हो रही थी, दुमका में सुनील सोरेन को टिकट मिलता है, हमने पहले ही जिक्र किया, और फिर सीता सोरेन की पैराशूट लैंडिंग होती है। राजमहल पर चर्चा करते हैं, राजमहल पर इस बार आप लोग कितना ताकत झोंक रहे हैं, और राजमहल सीट इस बार आप लोग के लिए कितना मायने रखने वाला है? देखिए, पिछले बार हम लोग के पास 3 में से दुमका सीट हमारे पास थी, गुड्डा भी हमारे पास थी, राजमहल में हम लोग 1 लाख के मार्जिन से हम लोग पीछे रहे थे। आप देखिए कि कुछ लोग बोलते हैं कि संथाल परगना मेरे बपौती राज है। बपौती राज में मैं आपको बता दूं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सबसे बड़े नेता शिबू सोरेन जी और रूपी सोरेन जी को अभी हम बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी ने दोनों को हराने का काम किया था। उस समय हराने का काम किया था जब झारखंड मुक्ति मोर्चा की संथाल परगना में वहां झंडा लहराती थी। तो ऐसा नहीं कि कोई किसी का बपौती राज होता है। दूसरी बात, गोड्डा में जिस तरह से पिछले जनता को मैं आ रहा हूं गोड्डा में पिछले बार अभी आप बोल रहे थे कि पैराशूट लैंडिंग और टिकट बदल दिए गए, ये तो जो बोलते हैं, लेकिन दीपिका पांडे सिंह के बारे में भी बात करनी चाहिए इन लोगों को ना, कि एक एक महिला को इन लोगों ने टिकट देकर वापस उनसे, उसके बारे में तो खैर सफाई आ गई थी। गुलाम अहमद मीर साहब जो कांग्रेस के सफाई हम लोगों की तरफ से भी है कि अगर एक कार्यकर्ता, बीजेपी में कार्यकर्ता बेस्ट पार्टी है, अगर एक कार्यकर्ता को बैठाकर उसकी जिम्मेदारी भूमिका को बदल दिया जाता है, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि उसका टिकट को काट दिया गया, बैठा दिया गया, उसकी जिम्मेदारी को भूमिका बदल कर क्या जिम्मेदारी दी गई है ये भी बता। बीजेपी में क्या है, ये संगठन कार्यकर्ता बेस संगठन है, ये नहीं कि जो खाता ना बही गांधी परिवार बोले, सोरेन परिवार जो बोले वही सही। तो फिर हजारीबाग में क्या बात करते हैं कार्यकर्ताओं की, फिर हजारीबाग में क्या हुआ, जयंत सिन्हा जी का टिकट कटा, और उसके बाद मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि बीजेपी में अशोक बड़ाइक भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वहां पर जो गांधी परिवार बोलेगा, सोरेन परिवार बोलेगा, वही लड़ सकता है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखिए, हर बार कार्यकर्ता की भूमिका को बदला जाता है, उसकी जिम्मेदारी कहीं दूसरी जगह जवाब देता होगी। मैं दूसरी बात विषय पे आ रहा था। देखिए, राजमहल सीट भी हमारे पास देवीधन बेसरा जी सीट जीते हैं, बीजेपी के खाता में गई है, इसलिए ऐसा नहीं है कि राजमहल हमारे लिए कोई बहुत बड़ा मतलब पहाड़ है कि हम उसको ध्वस्त नहीं कर सकते हैं। हमारे पास भी वो सीट रही है, और जिस तरह से अभी संथाल परगना के लोग पिछले 4-4.5 सालों में देखे हैं, संथाल परगना में सबसे ज्यादा अगर आदिवासी महिलाओं के साथ दुष्कर्म अगर हत्या होती है तो वो संथाल परगना में होती है। और तो मैं बता दूं, रूपा तिर्की की हत्या क्या हुई, बरेट में होती है। रविका पड़िया की हत्या क्या होती है, बुरियों में होती है। और विदेशी महिला के साथ दुराचार कहां होती है, वही दुमका में होती है। कुल मिला के 6,000 में लगभग 2.5 से 3,000 दुष्कर्म महिलाओं की हत्या संथाल परगना में होती है। तो सत्ता से सवाल पूछी जाएगी कि आदिवासियों का दुष्कर्म हत्या सबसे ज्यादा जो जवाब ले लेते हैं, परगना मेरे बपौती का है, पर सवाल उठ रहे हैं आदिवासी महिलाओं के साथ, जवाब ले लेते हैं, आदिवासी महिलाओं की हत्या कैसे हो गई। तो बटर जी, सवाल गंभीर है, महिला सुरक्षा को लेकर हमेशा संताल को लेकर सवाल उठते रहे, दुमका में खास करके जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में महिला सुरक्षा को लेकर कांड हुए हैं, और साथ ही साथ महिला जिस तरह से सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है संताल में, इस पर आप क्या कहेंगे? दूसरा सवाल यह है कि जब जब राजमहल की बात हुई, बीजेपी वाले यही कहते हैं कि पहले खुद के लोबिन हेमरम से यह निपट ले, उसके बाद बीजेपी से टक्कर के लायक बनेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मेरा ऑब्जेक्शन है कि बपौती वर्ड यूज करें, ये जनता, एक तो मोदी जी ने पहले ही कह दिया कोठे पे जाने वाली है ये जनता,
और दूसरा ये अब अहंकार देखिए कि बपौती वर्ड यूज करें, तो बपौती तो जनता की बपौती है, किसी नेता की बपौती है और किसी पार्टी की बपौती नहीं होती है। और यहां तक आप देखिए, मैं यही लाइन बोला, एक मिनट आपने इतने देर बोला, जवाब ले लेते हैं अशोक जी, सिर्फ सवाल से कोई समीकरण हल नहीं होगा, जवाब ले लेते हैं, परिवार को गया, परिवार को गया, जवाब लेते हैं। बटर जी कंप्लीट करें। देखिए, और जहां तक महिलाओं का इज्जत की बात है, रिस्पेक्ट की बात है, तो मैं इतना ये नहीं कह सकता कि कंपेयर करना कि आपकी शर्ट जो एड आता था कि आप मेरी शर्ट तेरी शर्ट से सफेद कैसे, मैं कंपेयर कर सकता हूं कि दूसरों स्टेट्स के, बट ये मामला कंपेयर के लिए नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का गिरता हुआ पतन जो हमारी सोसाइटी में, और ये बहुत चिंताजनक विषय है। मैं बताता हूं क्यों हो रहा है ये, क्योंकि वो जानता है रेपिस्ट कि मैं जेल जाऊंगा तो मुझे पैरोल देके माला पहना के बीजेपी के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। आप गुजरात में देख लीजिए किया कि नहीं, बाबा राम रहीम रेपिस्ट, बाबा राम रहीम रेपिस्ट, उसको आज बुला के गुजरात में, कल हरियाणा में उसने फतवा जारी किया। राजनीतिक रूप दे रहे हैं बटर जी, राजनीतिक रूप इसे दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर होती है। एक मिनट अशोक जी, सवाल का जवाब ले लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर अशोक जी जवाब ले लेते हैं। जनता जी पकड़े गए कि नहीं, उनको सजा हो रही है कि नहीं, लेकिन सोसाइटी का पतन क्यों नहीं है? सोसाइटी का पतन डिस्कोर्स के कारण हो रहा है, अगर जान रहे हैं, तीन महीने में जान रहे हैं कि एक पार्टी एक नेता ऐसे दिल्ली में बैठा है, अगर तीन महीने में ऐसे अधिक वारदात सामने आते हैं तो सवाल तो राज्य सरकार पे उठेगा, राज्य सरकार पे उठेगा, राज्य सरकार की पुलिस जिम्मेवार है और राज्य सरकार की पुलिस एक्शन ले रही है। क्या कर रहा है दिमाग में अवैध माइनिंग में कुछ ना कोला पुलिस की संलिप्तता है, इस पर बीजेपी ने सवाल उठाया, जवाब ले लेते ईश्वर आनंद जी से। क्राइम को लेकर जो भी अधिकारी है जेल जाएगा जी, बिल्कुल जेल जाएगा और जाना भी चाहिए, भ्रष्ट है ऐसे जेल जाना चाहिए, बिल्कुल। अशोक जी जवाब ले लेते हैं, ईश्वर जी क्या कहेगा इस पर? सवाल तो पूछिए। सवाल ये है कि इनका कहना है कि माइनिंग में खास करके पुलिस की संलिप्तता बढ़ रही है और अवैध माइनिंग में बढ़ रही है पुलिस। एक मिनट अशोक जी जवाब ले लेते हैं ना, अब सवाल ये है कि माइनिंग से रेपिस्ट का क्या कनेक्शन है? नहीं नहीं, क्राइम को लेकर है ये, क्राइम को लेकर है, 24 घंटा क्राइम को लेकर है। जी बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, क्राइम की अगर बात होगी तो हर जगह का जिक्र होगा, महिला सुरक्षा की बात होगी तो सिर्फ दुमका गुंडा राज में है, पूरे देश की महिला सुरक्षा की बात होगी। अशोक जी अशोक जी अशोक जी बिल्कुल बिल्कुल सवाल उठेंगे, जवाब आप सबको देना होगा। मवेशी तस्कर गाड़ी चला देते हैं, देखिए ला सकती हूँ, ये पिकन चूसी पॉलिटिक्स करते हैं, अशोक जी पॉलिटिक्स करते हैं। आप सवाल पूछे जवाब भी सुन लीजिए, बिना जवाब के सवाल का क्या काम, जवाब सुन लेते हैं, जवाब सुन लेते हैं। ईश्वर जी देखिए, क्राइम को लेकर आप लोगों पर सवाल उठते रहे, सत्ताधारी दल है दुमका में खास करके, और खास करके संताल में पिछले तीन महीनों में एक दर्जन से अधिक वारदात ऐसे सामने आए, महिला से छेड़खानी की बात हो, दुष्कर्म की बात हो, महिला सुरक्षा को लेकर बात हो, ये सवाल उठते रहे। आपका कहना है कि, और ये बात पूरी तरह से ठीक भी है कि अगर महिला सुरक्षा की बात होगी तो सिर्फ दुमका गोड्डा या पूरे संताल की नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष की बात होगी, खाली झारखंड की करेंगे नहीं, सिर्फ झारखंड की नहीं पूरे भारत वर्ष की बात होगी। जवाब दे, कल 26 बच्चे जल गए, उसका मालिक बीजेपी का नेता उस वहां लेंगे जवाब, बटर जी पहले महिला सुरक्षा पर बात कर लेते हैं, अपडेट कर लाइसेंस किसी ने नहीं दिया, बिल्कुल ईश्वर जी से जवाब, बटर जी ईश्वर जी से जवाब ले लेते हैं, अशोक जी जवाब सरकार है, बिल्कुल अशोक जी जवाब सुन लेते हैं, बिना जवाब के सवाल का क्या काम, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, क्या कर रही है दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी के, एक मिनट, क्या सवाल था? सवाल यह था कि क्राइम रेट जिस तरह से बढ़ रहे हैं खास करके संताल में, हम संताल का समीकरण की बात कर रहे हैं तो संताल में, और डेमोग्राफी की बात कर ले, डेमोग्राफी बदलता जा रहा है संताल का, आदिवासी की जनसंख्या घटती जा रही है, इस पर भी जवाब दें। देखिए सबसे बड़ी बात है कि मैंने रिसर्च तो नहीं किया कि डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, जी बिल्कुल चेंज हो रहा है। देखिए सब चीज को मत मिलाइए, सबसे पहले आपने कहा कि नारी के प्रति अपराध बहुत ज्यादा, तो मैं आपको चैलेंज के साथ बताता हूँ कि देखिए अपराध तो हर एक स्टेट में, हिंदुस्तान में 28 स्टेट हर एक जगह अपराध हो रहा है जी, और पूरी तरह से जो कि गलत है, मणिपुर में भी हो रहा है, ठीक है। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि एक भी ऐसा बात हमको बताइए, एक भी ऐसा कांड बताइए जिसका उद्भेदन नहीं हुआ, जिसके आरोपी नहीं पकड़े गए, जिसका अभियुक्त नहीं पकड़े, हाँ, जिसको पैरोल नहीं दिया, खाली एक जगह नहीं पकड़ा गया, उसके लिए हम स्वीकार करते भैया कि 350 किलो RDX जो है
पुलवामा में कैसे पहुंच गया, इस पर जवाब लेंगे। और रवन्ना भाग गया देश, और रवन्ना जो है 2500 महिलाओं का रेप करके और वीडियो बना के कैसे विदेश भाग गया, उसका मोदी जी प्रचार भी किए, इसे इनकार तो नहीं किया जा सकता, वीडियो है मेरे पास, ठीक है ना। तो मेरा सिंपल सा एक बात है कि जितने भी आरोपी और जो आपने कहा खनन के लिए पुलिस अधिकारी संलिप्त हैं, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं वो सब आज न कल पकड़े जाएंगे और सलाखों के पीछे जाएंगे। चलिए ये और बिल्कुल भ्रष्ट अधिकारियों को, चाहे कोई भी हो भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी हो, उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए। जवाब ले लेते हैं विजय साहू जी से। देखिए सवाल आप पर उठते हैं, आप सहयोगी दल है क्योंकि एनडीए में, आपसे सवाल यह है कि पुलवामा को लेकर अक्सर कांग्रेस हो या इंडिया गठबंधन के जितने भी लोग सवाल उठाते रहते हैं, पुलवामा को लेकर आप लोगों की ओर से कोई जवाब सामने नहीं आता है। 350 किलो आरडीएक्स कैसे देश में प्रवेश किया, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जब भी सवाल उठता है आप लोगों पर आरोप लगता है कि आप बात घुमा देते हैं। आज विजय साहू जी जवाब दे दें, मंच खुला है। बात है उससे पहले पाकुड़ और राजमहल का मैं बात करूंगा, ये गंभीर सवाल जी बिल्कुल आपने उठाया था और उसका जवाब आपको मिलना चाहिए। पाकुड़ और राजमहल का डेमोग्राफी चेंज हुआ है, वहाँ आदिवासियों की जमीन ली जा रही है बांग्लादेशी, बिल्कुल जनसंख्या घटा और उससे नकारा नहीं जा सकता है कि तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है, किसको उससे लाभ है। अब इस पर कितने ये लोग सफाई देंगे, पूरा झारखंड में चाईबासा में भी इस तरह की स्थिति है, आपका जमशेदपुर में भी स्थिति है, लेकिन खास करके पाकुड़ और राजमहल का डेमोग्राफी चेंज हुआ है, उसका पहचान करेगा कौन, पहला बात। दूसरा बात, झारखंड प्रदेश में अभी आप देखेंगे कि जो स्थिति है ना बाजार का बहुत खराब है, क्योंकि स्टेट एजेंसी होता है पैसा खर्चा करने का, वो पैसा खर्चा नहीं कर रही, बालू टेंडर नहीं हो रहा है, बालू नहीं होने से आज मजदूर दर दर भटक रहे हैं, जो सप्ताह में हाट बाजार लगता है ना, ठीक है, 3000 रुपए अगर सप्ताह में उस मजदूर को मिलता, काम मिलता, तो हाट बाजार भी गर्म होता, उस दुकानदार से जाके पूछे कि दिन भर बैठता है, एक ग्राहक नहीं आता है, स्थिति बद से बदतर इन लोगों ने कर दिया है, पूरे झारखंड को लूट के। दुनिया का बात छोड़िए, आप झारखंड पर सवाल है तो झारखंड पर जवाब देना होगा कि झारखंड नहीं, सवाल पूरा देश को लेकर है, झारखंड की इकोनॉमी कहाँ है, झारखंड पर भी सवाल है, देश को लेकर भी सवाल है। देखिए सबसे पहला प्राथमिकता हमारा बनता है कि झारखंड प्रदेश के बारे में, झारखंड के लोगों ने चार साल पहले जिस सोच के साथ यहाँ का धरती पुत्र को सिंहासन पर बैठाया कि धरती पुत्र आने के बाद झारखंड का, ये लोग तो बोलते थे कि छत्तीसगढ़िया चूहा है। आज रघुवर दास जी ने पतरातू में जो लेक रिसोर्ट बनाए उसकी स्थिति जाके देखिए, एक बल्ब नहीं जलता है, घोड़ा जो लगा था घोड़ा घास खा रहा है, पूरा स्थिति जर्जर है, वो इतना बड़ा पर्यटन स्थल और इंटरनेशनल प्लेस बना, लेकिन आज उसकी स्थिति देखिए कोई देखने वाला नहीं है, बिजली नहीं जलता है वहां पर, बिल देता नहीं है सरकार, क्या व्यवस्था लोगों ने बना के रखा है। झारखंड को जिस रास्ते से हम लोग तरक्की के रास्ते पर लेके जा रहे थे, इन लोगों ने 10 साल पीछे धकेलने का काम किया है। चंपई सोरेन जी 3-4 दिन बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ काम किए, लेकिन चंपई सोरेन जी को अब लग रहा है कि क्या स्थिति इन लोगों ने करके रखा है, और इस लोकसभा चुनाव के बाद देखिएगा फिर बहुत बड़ा उलटफेर होगा, ये लोग नहीं चाहता है कि अच्छा बिल्कुल जी। और आपने भी गंभीर सवाल उठाए हैं और सवाल अभी अधूरा है, पुलवामा का सवाल अधूरा, इस पर भी हम आपके पास जवाब लेने आएंगे, और मौजूदा राज्य सरकार को लेकर जो सवाल उठे हैं ये सत्ता पक्ष के लोगों से हम जवाब लेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। तो संताल के संग्राम पर हम चर्चा कर रहे थे, कई तरह के सवाल उठे, कई गंभीर आरोप लगे, कई जवाब भी सामने आए, लेकिन अब 1 जून को जब मतदान होगा तब प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला कैद हो जाएगा। 4 जून को सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आखिरकार जनता ने किसे आशीर्वाद दिया। फिलहाल अगर संताल की बात कर ले तो 3 लोकसभा सीट यानी दुमका, गोड्डा और राजमहल पर तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गज दम झोंक रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं। संताल का संग्राम धीरे धीरे बड़ा होता नजर आ रहा है, धीरे धीरे बेहद क्लोज होता नजर आ रहा है। हम चर्चा कर रहे थे संताल को लेकर, हम रुक करेंगे। कांग्रेस से हमारे साथ ईश्वर आनंद जी जुड़े हुए हैं। ईश्वर आनंद जी, विजय साहू जी ने एक गंभीर सवाल उठाया और यह सवाल खासकर इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि संताल का डेमोग्राफी बदल रहा है, जो आदिवासी जनसंख्या, आएंगे बटर जी आपके पास, आदिवासी जनसंख्या घट रही है और खास करके घुसपैठियों की जनसंख्या बढ़ रही है, यह आरोप लगता है एनडीए के नेताओं की ओर से। देखिए अभी चलिए, मेरे बड़े भाई हैं, ये देंगे उसका मैं जवाब दूंगा, दे दीजिए बटर जी, चलिए आप ही जवाब दे दीजिए इसका। देखिए घुसपैठी है जो आप बोल रहे बांग्लादेश, तो इंटरनेशनल बॉर्डर जहां तक मैं लास्ट अभी तक 5 मिनट पहले तक अगर पता है तो वो तो बीएसएफ के अंडर होता है, सेंट्रल फोर्स है, तो झारखंड के नेता कैसे उसमें शामिल हो गए।
और आपके पास क्या ये फिगर्स हैं कि 2019 के बाद ये इन्फिल्ट्रेशन हुआ कि 2000 से इन्फिल्ट्रेशन है कि 1970 से बढ़ हमेशा मेरी बात तो झारखंड में पिछले 20 साल से तो ये तो बीजेपी के नेता मानते हैं कि आधा आधा रहा है, आधा बीजेपी का राज रहा है। माननीय सुदेश महतो जी तो डिप्टी सीएम भी रहे हैं जी, तो क्या वो हाईकोर्ट में शपथ पत्र दे सकते हैं? क्या बीजेपी के मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी और जो भी बाकी चीफ मिनिस्टर हैं शपथ पत्र दे सकते हैं कि हमारे समय नहीं हुआ, सारे जेएमएम के या कांग्रेस के राज में? ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि अचानक से बढ़ गया और अचानक से घट गया, ये गलत आरोप किस पे लगा रहे? बीएसएफ पे आरोप लगाइए, कैसे इन्फिल्ट्रेशन कर दिया, चाइना कैसे इंडिया के बॉर्डर्स में घुसाया? ये जवाब तो मोदी जी देंगे ना। चलिए अशोक जी, अशोक जी से जवाब ले लेते हैं। म्यांमार ने कहां से दे देंगे हम जवाब? 384 दे दीजिए हम लोग को बीएसएफ, हम जवाब ले लेते हैं। बढ़िया जी जवाब ले लेते हैं। देखिए अशोक लोग, ये लोग का जो दोहरा चरित्र देशवासी ने देखा है, जब हम एनआरसी की बात करते हैं तो पानी पी पी के यही लोग उसका विरोध करते थे, अभी बात कर रहे बहुत घुसपैठी प्रेमी है। अरे इन लोग इस बात को तो अशोक जी हो रहा है, इस बात को तुम्हारे से इनकार नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश के पीड़ित हिंदू है और जो बांग्लादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान के पीड़ित हिंदू ईसाई सिख जैन बौद्ध नगर बांग्लादेशी पिछले 10 सालों से सरकार जवाब असम में आप लोगों ने क्या दिया है? सरकार आई है, हमने खुले मंचों से बोला है कि बीजेपी कर रहे हैं सरकार में कुछ नहीं कर रहा, लेकिन घुसपैठियों को लेकर ये तो आरोप आप पर लगते रहे हैं। भैया बीएसएफ किसके अंदर है? एक मिनट ईश्वर जी, लौटेंगे जब हम पार्लियामेंट में एनआरसी लेके आते हैं तो ये लोग विरोध, एनआरसी की बात भी हम करेंगे लेकिन घुसपैठ पर बात कर ले, इसमें और तो जब हम लोग झारखंड की बात करते हैं जी, झारखंड में मैं आदिवासी समाज से आता हूँ, आदिवासी समाज की पीड़ा ये लोग तो सामाजिक रूप से नहीं समझ सकते। चलिए आज आदिवासी समाज की बेटियों का जिस तरह से बांग्लादेश घुसपैठियों के द्वारा शादी चलिए तो बॉर्डर की बात हो रही थी, बॉर्डर की बात हो रही थी, बांग्लादेश बॉर्डर की बात हो रही थी, आरक्षण जो है पॉलिटिकल जिहाद जो चल रहा है उसके बारे में ये लोग आपके आपके विरोधी दलों का यह आरोप है कि आप लोग मैच राजनीति कर रहे हैं, आदिवासियों के नाम पर मुसलमानों के नाम पर राजनीति की जा रही है, और यह भी आरोप लगा है कि मतलब घुसपैठ हो रहा है, आप लोग बीएसएफ पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, यह भी आरोप लगाया गया। और अभी बीएसएफ सत्य है, लोगों ने पहले तब तो लोग याद करेंगे बांग्लादेश से घुसे कैसे, आप खराब हुई है कि नहीं हुई, क्या ये लोग सरकार करेंगे? बिल्कुल डेटा कहता है और डेटा सच कहता है कि नहीं है। विजय साहू जी को सुन लेते हैं, विजय साहू जी को सुन लेते हैं, विजय साहू जी को सुन लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ठीक है, कहाँ से घुसे कैसे घुसे सब देख रहे हैं, सुनिए मेरा, नहीं ये अहम सवाल है, ये कहाँ से घुसे कैसे घुसे ये ऐसे किनारे करने वाला सवाल नहीं है, कैसे क्यों है ये बताइए ना भैया, किनारे करने वाला बिल्कुल सवाल नहीं है। विजय जी बताइए ना कैसे आई भी कंप्लीट करने दीजिए, ईश्वर जी कंप्लीट करने। और जब भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आई है तो इस पर सवाल उठ रहा है, आपने तो इसको दबा के रखा था, आप बताइए कि पाकुड़ और राजमहल में घुसपैठिए है कि नहीं है, बांग्लादेशी है कि नहीं? देखिए सवाल इनका वही है, मैंने भी यही सवाल किया था विजय जी, सवाल आप दोहरा रहे हैं, सवाल मैंने भी यही किया था। झारखंड में जो घुसपैठी असम में उस पर आपने कब सवाल उठाया है? बिल्कुल सवाल मैंने भी यही किया था, तो इनका आरोप है, इनका कहना है कि हमारा बॉर्डर सिक्योर नहीं है, हमारा राष्ट्रीय सरहद जो है वो सिक्योर नहीं है, यह आरोप लग रहा है। ईश्वर जी कहें खराब हुआ है कि नहीं हुआ है? देखिए इसका जवाब मैं आपने कभी सवाल नहीं उठाया, मैं जवाब देता हूं कैसा हो रहा है, 60 साल से आप लोगों ने दरवाजा खोल के रखा था। देखिए हमारे आजसू के जो मित्र हैं इनसे पहले पूछ लीजिए कि जो डेमोग्राफिक फिगर्स आपने बताए वो कब से कब थे और किस दशक में कितना चेंज हुआ, जब तक इस पे बात नहीं कंट्रोल तो नहीं हुआ ना। देखिए इट इज अ रेगुलर प्रोसेस जी, मैं पिछले 10 साल की बात लेता हूं, 20 साल की बात ले लीजिए, 2000 के बाद की बात मैं करता हूं जब झारखंड एग्जिस्टेंस में आया, तो पहले 10 साल हम मान लें कि यूपीए की गवर्नमेंट थी जी, उस 10 साल में स्टेट में बीजेपी गवर्नमेंट थी ठीक है, उसके बाद मोदी जी आए 10 साल बीजेपी की सेंट्रल में गवर्नमेंट है और यहां पर मैक्सिमम उसके बाद 5 साल रघुवर दास, 5 साल 4.5 साल 4.5 साल हमारी जेएमएम सर, तो आप देख लीजिए उम्मीद है कि यूपीए के समय आए
तो फिर बीजेपी दोषी है, उनको बसने दिया झारखंड में। और अगर बीजेपी मोदी जी के समय आए तो बॉर्डर के कैसे आए, तो दोषी अगर हमको दे रहे हैं उतने दोषी ये भी है। तो मतलब दोषी आपका कहना दोनों दोषी, देखिए अगर आप स्वीकार कर रहे हैं दोनों दोषी, अगर हो रहा है इन्फिल्ट्रेशन, अगर हो रहा है देश के बॉर्डर्स का इन्फिल्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट दोषी है, जो भी सरकार रही वो दोषी है। चलिए ठीक है, अशोक जी जवाब दे दे। देखिए 75 सालों में सबसे ज्यादा शासन कांग्रेस ने किया और उनके सहयोगियों ने किया है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा बॉर्डर में खुलेआम घुसपैठी के लिए मेहमानबाजी करने के लिए ये लोग बैठे थे। और तो देखिए असम और बंगाल, चलिए ठीक है, जब भी हुआ बुरा था वो अगर हुआ है तो वो बुरा था। 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार थी और बंगाल में किसकी थी, कम्युनिस्ट और अभी टीएमसी की, ठीक है। सबसे ज्यादा ये दोनों राज्यों में सबसे ज्यादा घुसपैठी बांग्लादेशी पाकिस्तानी रोहिंग्या, ये दोनों। सवाल तो फिर घूम के वही रहता है, पचहत्तर सालों के कुकर्म को हमारी सरकार सुधारने का प्रयास कर रही है, इसलिए हम लोग बात करते हैं वोट बैंक चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर हुआ, एक मिनट लौटेंगे हम लोग पास होगी राष्ट्रीय सुरक्षा सरहद को लेकर हुआ है और डेमोग्राफी को लेकर हुआ है। 75 साल तमाम 10 साल इस पर हम चर्चा कई बार कर चुके हैं। एक क्लैरिफिकेशन जी, आखिरी 30 सेकंड बटर जी जवाब दे दे। पिछले 10 साल में मोदी जी ने रुकवा दिया, ठीक है मैं मानता हूँ, ठीक है। तो फिर तो हेमंत सरकार के समय आए नहीं इन्फिल्ट्रेशन, कहां से किसके आरोप लगा पहले से जो आप लोग उसको बाबत जवाब ले लीजिए नरसिंहा राव को जिसके घर से मोदी जी दिया, सब भारत रत्न देश लीजिए, भारत रत्न की बात हो रही है, संसद की बात हो रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात हो रही है, मुद्दों को लेकर वाजपेयी जी दोषी है। सवाल को नहीं उठाया, किसके सवाल नहीं उठा? चलिए विजय जी आखिरी 10 सेकंड आपको देते हैं, कौन सा सवाल नहीं उठा और कौन सा सवाल उठना चाहिए था आप कहते हैं? 340 वाला बता दे सर, 340 के जो आर्मी ईश्वर जी कैसे आया, ईश्वर जी जवाब चाहिए आखिरी 10 सेकंड, कौन से मुद्दे नहीं उठे और कौन से मुद्दे उठने चाहिए? तो विजय जी पहला बात कि देखिए ये जो घुसपैठियों का बात है ना, तो भाजपा जब आई सत्ता में तब ये बात को बड़ा मुखर तरीके से पहले भी उठाते रहे, लेकिन इन लोगों ने दबाने का काम किया। अभी भी एक्सेप्ट, चलिए आरोप इनको आखिरी कमेंट मुद्दा दबा गया, इस पर क्या करेंगे तो कांग्रेस आखिरी चलिए विजय जी हो गया अब इनसे ले लेते हैं जवाब, ले लेते हैं सवाल हम आपसे लिए, आखिरी 10 सेकंड समय की पाबंदी है, ले लेते हैं जवाब। ईश्वर जी आप लोग पर हमेशा से आरोप लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की जब जब बात आई आप लोगों ने मुद्दे भटकाने का काम किया और दबाने का काम किया, आखिरी 10 सेकंड कमेंट करें इस पर। देखिए आपको भी पता है कि मैं एक छोटा सा मतलब शुरू करता हूँ चाइना से, ठीक है शुरू और बस आखिरी दो लाइन ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं कि कभी जिंदगी में श्रीलंका में चाइना बहुत सालों से प्रयास कर रहा था, 70 साल से इंडिया घेरने के लिए। चाइना एक व्यापारिक कंट्री और 600 नॉटिकल माइल्स पे इंडिया का एकाधिकार था हिंद महासागर में, ठीक है। अब देखेंगे नीचे जो श्रीलंका बिल्कुल, बिल्कुल। यहां से लेकर वहां तक इंडिया का एकाधिकार था। चाइना ने क्या किया कि श्रीलंका में एक बंदरगाह संक्षिप्त में खत्म कर संक्षिप्त कर रहे हैं, श्रीलंका में आ गया, फिर वो मालदीव में आके अपना बेस बना लिया और वन बेल्ट वन रोड परियोजना के लिए। देखिए ये इंटरनेशनल पॉलिसी है, चाइना को हम लोग कभी नहीं रोक पाए और अब तो आपके घुस के वो कॉलोनी बना लिया है और प्रधानमंत्री जी कहते कोई नहीं घुसा था, कोई नहीं घुसा, चला कि 20 जवान मारे गए। संताल को लेकर बात हो गई, डेमोग्राफी को लेकर बात हुई और तमाम ऐसे मुद्दे जो इस बार जनता अपने दिमाग में रखकर अपने मन में रखकर बूथों पर जाएगी और अपने मत का प्रयोग करके अपने आने वाले 5 सालों के भविष्य को सिक्योर करेगी, उस भविष्य को तय करेगी। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ था, संताल के संग्राम पर हम चर्चा कर रहे थे। हम शुक्रिया अदा करेंगे बटर सिंह जी का, वो जेएमएम से हमारे साथ जुड़े हुए थे। ईश्वर आनंद जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए थे। हमारे साथ बीजेपी से अशोक बड़ाइक जी जुड़े हुए थे और विजय साहू जी आजसू से जुड़े हुए थे। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया और संताल के संग्राम पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 1 जून का इंतजार सबको है, खास करके इन 3 लोकसभा सीटों के मतदाताओं को इंतजार है, क्योंकि आने वाले 5 सालों के लिए अपने भविष्य को तय करेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करके लोकतंत्र को सिक्योर करेंगे, लोकतंत्र को और मजबूत करेंगे। फिलहाल आज के इस पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहे न्यूज 11 भारत, नमस्कार।
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।